बिहार पुलिस मध्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है छः सौ नवासी पदों पर आई हुई है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस से एट इक्कीस से। है और आप लोगों को यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है और डेली लाइव क्लास जो है छः बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि एक से तीस तक जो है प्रश्न कराने वाले हैं चलिए एक नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आर्यों ने भारत के किस घाट में जो है प्रवेश किया था जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर दो कैंडिडेट से इसका सही जवाब दे रहे हैं जबकि बहुत ज्यादा जो है यह कठिन प्रश्न है चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि बोलन घाट में चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है दो नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुदोधन जो है यह किस राज्य के जो है राजा थे जल्दी से कमेंट कर बहुत सिंपल प्रश्न है एक बार कॉन्स्टेबल में और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट इसका सही जवाब दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कपिल वस्तु चलिए नेक्स्ट प्रश्न ने यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तीन नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से जो है किस भारतीय राजा को जाना जाता था जल्दी से कमेंट करके बताए कि इसका सही उत्तर क्या होगा बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा समुद्र चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए चार नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीलंका में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने किसे भेजा था जल्दी से कमेंट करके बताए दो बार कॉन्स्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है चलिए यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा संगमित्रा यहां पर जो है दो अपने पुत्र और एक पुत्री को भेजे थे यानी कि पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संगमित्रा था तो यहाँ पर महेंद्र नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर संगमित्रा एक ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पर सी पार्ट जो है सही हो जाएगा लेकिन कभी कभी दे, दे देता है दो तो आप लोग को याद रखना है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संगमित्रा दोनों को भेजा था ठीक है तो

यहाँ पर छ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है यानी कि किस गांव में हुआ था जल्दी से कमेंट करके बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा कुंड ग्राम हो जाएगा सही उत्तर इसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्तकालीन युग में जो है यानी कि आर्युर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताए कि इसका सही उत्तर क्या होगा गुप्तकालीन युग में जो है आर्युर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे चलिए बहुत जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा धनवंतरी और यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब दे पा रहे हैं चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो है यानी कि चार मठों को किसने स्थापित किया था थोड़ा सा कठिन प्रश्न है आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है चलिए यहाँ पर जो है तीन कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं जबकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा शंकराचार्य और उतना डिफिकल्ट भी नहीं हम लोग कह सकते हैं लेकिन जो यहाँ पर जो प्रश्न का जो टिण टाँड करके बनाया गया है इस तरह से थोड़ा सा यह डिफिकल्ट है लेकिन ये नाम तो सभी सुना होगा शंकराचार्य जो दैतो के गुरु थे चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिलिन पदोह यानी कि किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर भी जो है चार कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और कुछ कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा पाली हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहां पर दस नंबर प्रश्न पूछा गया है और एक बार कॉन्स्टेबल में भी प्रश्न पूछा गया है ठीक है और लेडीज कॉन्स्टेबल में भी जो एक बार यह प्रश्न पूछा गया है दस नंबर प्रश्न है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा राणा कुंभा और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ग्यारह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौटिल्य ने जो है किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी जल्दी से कमेंट करके बताइए चार बार से भी ज्यादा या कॉन्स्टेबल में दो बार ड्राइवर में होमगार्ड में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए बहुत सिंपल प्रश्न है और हमेशा यह प्रश्न जो है रिपीट कर देता है तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि अर्थशास्त्र हो जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब सही दे पा रहे हैं और बारह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अकबर के समय जो है भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध जो है किसने किया था जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर भी जो है दो कैंडिडेट का सही जवाब दे रहे हैं चलिए आप लोग ट्राई कीजिए चलिए यहाँ पर पांच कैंडिडेट सही जवाब देने रहे लगे चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा राजा टोडरमल इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तेरह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था जल्दी से कमेंट करके बताए कि इसका सही उत्तर क्या होगा ड्राइवर में यह तीन बार प्रश्न पूछा जा चुका है कांस्टेबल में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है और मध्य निषेध में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है जल्दी से कमेंट करके बताए इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सर टॉमस रो चलिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी जवाब दे दिए हैं दो तीन कैंडिडेट्स को छोड़कर चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर चौदह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स सही जवाब दे रहे हैं और दो तीन कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि कोंड देव हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न ने यहाँ पर पूछा गया है पंद्रह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं और कुछ गलत भी दे रहे हैं चलिए आप लोग एक बार और ट्राई कीजिए ठीक है चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो है यह सिख धर्म के दसवें और अंतिम गुरु थे चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर सोलह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी जल्दी से कमेंट करके बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर दो कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं कोई बात नहीं आप लोग ट्राई कीजिए फर्स्ट टाइम में धीरे धीरे आपका भी सही होगा चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्सर का युद्ध में जो सत्रह सौ चौसठ ईस्वी में बॉक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें जो है यानी कि अंग्रेजों ने जो है मीर कासिम को हराया था और उसी समय जो है अंग्रेजों को जो है दीवानी सता जो है प्राप्त हो गई थी तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सत्रह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था जल्दी से कमेंट करके बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा ड्राइवर में दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है कॉन्स्टेबल में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है और ग्रुप डी का इसके पहले जो एग्जाम चल रहा था उसमें जो है चार बार से भी ज्यादा यह प्रश्न पूछा जा चुका है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट इसका सही जवाब दे पा रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कुंवर सिंह चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अट्ठारह नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे जल्दी से कमेंट करके कर कि इसका सही उत्तर क्या होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है आप सभी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा मदन मोहन मालवीय हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे जल्दी से कमेंट करके बताए बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए ड्राइवर में भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कॉन्स्टेबल में यह दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है और ये फॉरेस्टर में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं दो तीन कैंडिडेट्स को छोड़कर चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि लॉर्ड माउंट चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए यहां पर बीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीस अप्रैल और नई सत्तीस ईस्वी को जो है गांधी जी ने जो है किस स्थान पर जो है नमक कानून को जो है भंग किया था जल्दी से कमेंट करके बताइए फायरमैन में भी जो है यह दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है कांस्टेबल में भी जो है यह तीन बार प्रश्न पूछा जा चुका है ड्राइवर में एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है लेडीज कांस्टेबल में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा दांडी चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहां पर इक्कीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के उत्तर मैदानी खंड को जो है कौन सी नदी जो है दो भागों में बांटती है जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं दो तो तीन कैंडिडेट्स गलत भी दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा बागमती नदी चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है जल्दी से कमेंट करके बता कि इसका सही उत्तर क्या होगा बहुत सिंपल प्रश्न और बहुत बार जो है यह कांस्टेबल में जो है प्रश्न पूछा जा चुका है अनगिनत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी नदी चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख ली तेईस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बता कि इसका सही उत्तर क्या होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा पारसनाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा और इतना डिफिकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर चार कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं मानना पड़ेगा आप लोगों को आप लोगों को तैयारी बहुत बेहतर है और एग्जाम में जो है सिलेक्शन सभी को लेना है इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पर चौबीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है जल्दी से कमेंट करके बताएँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा यानी कि बहुत बेहतर प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जो है पता होना चाहिए चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा मुंगेर और कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दिए हैं कुछ गलत भी दिए हैं चलिए कोई बात नहीं है आप लोग ट्राई करते रहिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पच्चीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत जो है कितने बांध जो है बनाए गए हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही भी जवाब दे रहे हैं और कुछ गलत भी दे रहे हैं फिर भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिए मान लीजिए एक बार गलत होगा इसके बाद से आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी तरह धीरे धीरे जो है आप लोग जो है तीस में तीस प्रश्न को जो है सही करने लगेंगे चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि आठ बांध है चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर छब्बीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि झरिया जो है ये किस खनिज उत्पादन के लिए जो है भारत में जो है प्रसिद्ध है झरिया जो है या किस खनिज के लिए जो भारत में प्रसिद्ध है एक बार कॉन्स्टेबल में यह प्रश्न जो है पूछा गया है जल्दी से कमेंट करके बताया कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं चार कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दिए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं जबकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर सत्ताईस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में जो है बनाया गया है जल्दी से कमेंट करके बता कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा बोकारो में ही बनाया गया है तो बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर अट्ठाईस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण के पठार में प्रवेश को जो है कौन सी नदी जो है दो भागों में जो है विभाजित कर दी है जल्दी से कमेंट करके हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा दक्षिण के पठार प्रदेश को जो है कौन सी नदी जो है दो भागों में विभाजित करती है चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं कुछ गलत भी दे रहे हैं चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा नदी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर उनतीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी रेखा जो है भारत के लगभग जो है मध्य से गुजरती है जल्दी से कमेंट करके होता कि इसका सही उत्तर क्या होगा दो बार कॉन्स्टेबल में एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा गया है चलिए आप लोग ट्राई कीजिए चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कर्क कर रेखा है जो कि यानी कि भारत के जो है लगभग मध्य जो मध्य भाग होता है वहां से होकर जो है गुजरती है तो बी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चलिए और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर और आज का लास्ट प्रश्न है यार तीस नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है भारत के किस राज्य में होती है जल्दी से कमेंट करके बताए कि इसका सही उत्तर क्या होगा और मध्य निषेध का जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है कॉन्स्टेबल में यह तीन बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है लेडीज कॉन्स्टेबल में एक बार प्रश्न पूछा गया है ठीक है फॉरेस्टर में भी जो है यह दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है तो जल्दी से कमेंट करके बताए कि इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएगा आपने तीस प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं कल के क्लास में थैंक यू